यूपीएससी की तर्ज पर ही आरपीएससी में भी आरएएस एग्जाम होने चाहिए ताकि पोस्टिंग टाइम बाउंड की जा सके। ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। जयपुर में आरएएस अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने पवन अरोड़ा की तारीफ की और कहा कि उन्हीं के प्रयासों से आरएएस क्लब का शानदार भवन बना है। इस मौके पर पवन अरोड़ा को आरएएस एसोसिएशन का संरक्षक और शाहीन अली को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, आरएएस क्लब में आज आरएएस एसोसिएशन के अधिवेशन में पवन अरोड़ा को संरक्षक और शाहीन अली को नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पवन अरोड़ा ने खुद ये प्रस्ताव रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और आरएएस एसोसिएशन की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। उन्होंने पवन अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हीं के प्रयासों से क्लब का भव्य भवन बन सका है, जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। उन्होंने 2016 और 2018 आरएएस की पोस्टिंग बाकी होने की बात कहते हुए कहा कि आरपीएससी की परीक्षा भी यूपीएससी की तरह होनी चाहिए, जिससे पोस्टिंग में दिक्कत नहीं हो। नया भवन बन गया है, नया उत्साह लोगों में है। भवन भी आपने आईएएस को पीछे छोड़ दिया। गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारा कोई भवन बना नहीं, उसके पहले आरएएस वाले भवन भी बना है। मैं समझता हूँ तो मेरे ख्याल पूरे कंट्री में ऐसा भवन पहले होगा। यूपीएससी तरह एग्जाम हो राजस्थान के अंदर भी, आरपीएससी के अंदर, कि टाइम पे टाइम फिक्स हो, किस तारीख तारीख को एग्जाम होंगे, प्रीलिमिनरी कब होंगे, फाइनल कब होंगे, और काफ़ी हम आगे बढ़ गए थे तो बाद में वो लागू नहीं हो पाया। तो आप इस सर्विसेज के महत्व को समझते हुए, मैं समझता हूँ हमें जहाँ भी संभव होगा हम चाहेंगे कि सर्विसेज मजबूत रहें। वहीं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि आरएएस से आईएएस में प्रमोशन के लिए बोर्ड बैठक हो चुकी है और डीओपीटी से नोटिफिकेशन के लिए वे जल्द ही दिल्ली जाकर मिलेंगे। उन्होंने एलडीसी की समस्या भी जल्द दूर करने की बात कही। आज भी जो पवन अरोड़ा जी ने अध्यक्ष की भांति, क्योंकि वो अब उनका आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उन्होंने सारे मुद्दे उठा लिए हैं। उन मुद्दों को भी प्लस कोई और भी मुद्दे हों वो लेकर के आए हैं और इसी माह में इस बैठक को अगर वो देंगे हमको तो 6-7 दिन पहले अगर हमें दे देंगे तो संबंधित विभागों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके रिएक्शन पहले ही ले लेंगे और फिर उन सारे सचिवों के साथ एक बैठक इस नई कार्यकारिणी के साथ संपन्न कर ली जाएगी। इससे पहले पवन अरोड़ा ने सीएम गहलोत को गरीबों का मसीहा और राजस्थान का गांधी बताया। साथ ही मेट्रो एलिवेटेड रोड का उदाहरण देते हुए उन्हें विजनरी बताया। आरएएस को प्रशासन की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उन्होंने कहा कि अब इस रीढ़ की हड्डी में सिर्फ डिस्क हो चुका है। उन्होंने एसडीएम के पावर कम होने का उदाहरण देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी उसे ये बताने में लगे रहते हैं कि वे उससे सीनियर हैं। उन्होंने बजरी माफिया जैसे मामलों से निपटने के लिए सभी एसडीओ को होम गार्ड देने की मांग की। साथ ही आग्रह करते हुए कहा कि वीजा ऑन अराइवल वाले 18 से 20 देशों में आरएएस को घूमने के लिए छुट्टियों की इजाजत एचओडी से मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। बजरी का इशू इतना चल रहा है सर, उपखंड अधिकारी से उम्मीद करते हैं कि बजरी माफिया को भी ये रोके। अभी हाल ही में ब्यावर एसडीएम की गाड़ी को बजरी माफिया ने टक्कर मारी सर, वो बच गए किसी तरह से। और कहीं पे खनन माफिया है, कहीं पे परिवहन माफिया है, ये सब बातें हैं सर। तो एक पुलिस का अगर इनके साथ एरिया को टर्मिनस हो जाए सर, ऐसे देश जो कि गिनती के 18-20 देश हैं जहां पे वीजा ऑन अराइवल है, उसके लिए सरकार से पूरी प्रक्रिया अपना करके उसको छुट्टी लेनी नहीं पड़े, परमिशन लेनी नहीं पड़े, बल्कि उसका एचओडी ही इसके लिए उसको परमिशन दे दे सर। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष शाहीन अली ने सबको साथ लेकर क्लब और एसोसिएशन को आगे बढ़ाने की बात कही। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और हमारे पुराने अध्यक्ष की जो मेहनत है उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका हम लोग सारे आरएएस अधिकारी उनका एहसानमंद है और आगे हम लोग हमारे काडर की सम्मान और काडर की जो हमारी ताकत है उसको बनाए रखेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आरएएस क्लब का जायजा लिया और बिलियर्ड्स भी खेला। वहीं सीएस ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने फोटो प्रदर्शनी देखकर क्लब की गतिविधियों की सराहना की। इस मौके पर उन्हें बुकलेट भी भेंट की गई, जिसमें गहलोत सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने उल्लेखनीय योगदान देने वाले आरएएस को स्मृति चिन्ह भी दिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से ऋतुराज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।